इस वीडियो में हम सारे नए इन्वेंशन जो इंडिया में हुए हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अपने दर्शकों को, इंडिया में 3 नए रिसर्च हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी जानकारी यूथ को होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 रिसर्च फैक्ट, बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहचानेगा दुश्मन। कानपुर की मीडियम मशीन गन अब इंडियन आर्मी के साथ यूरोपियन आर्मी की भी ताकत बढ़ाएगी। शहर के स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री में बनने वाले मीडियम मशीन गन हमेशा से इंडियन आर्मी की पसंद रही है, अब इसे कई यूरोपियन कंट्री के आर्मी ने भी पसंद किया है। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री से 1700 एमएमजी की डिमांड की है और जल्द ही इसका निर्यात भी होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने गोलियां और बम बरसाने वाले ड्रोन, लाइट मशीन गन, CQB कार्बाइन, ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन और मशीन पिस्टल को इतनी शानदार टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है जिसके डिमांड आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि में काफी बढ़ी है। नंबर 2 रिसर्च फैक्ट जो इस 9 वर्ष में इंडिया में हुआ है, सन के करीब से गुजरेगा पार्कर सोलर प्रॉप। इसरो ने नए साल के पहले दिन एक्सपोसेट सैटेलाइट लॉन्च कर दुनिया में तहलका मचा दिया है। वहीं स्पेस एजेंसी नासा ने ऐलान किया इसी साल स्पेस क्राफ्ट पार्कर सोलर प्रॉप सन के करीब से गुजरेगा जिसकी स्पीड 195 किलोमीटर पर सेकेंड होकर होगी। यह प्रॉप 24 दिसंबर 2024 यानी इस साल के अंत में दिसंबर महीना जो आएगा उसमें जो 24 तारीख होगी को सन के सबसे करीब ये प्रॉप पहुंचेगा। इतने करीब आज तक कोई भी मानव निर्मित वस्तु नहीं पहुंच सकी है। रिसर्च फैक्ट नंबर 3, अर्थ के कोर में होती है हलचल। चाइना के साइंटिस्ट ने हमारे प्लेनेट अर्थ के सेंटर में एक रिसर्च किया है। इसके मुताबिक प्रत्येक 8.5 वर्ष में अर्थ का इंटरनल कोर अपनी रोटेशन एक्सिस के चारों ओर घूमता है। सतह के नीचे लगभग 1800 मील यानी 2896 किलोमीटर से हुई तरल बाहरी सीमा और ज्यादातर सॉलिड इंटरनल लेयर में विभाजित है। यह क्षेत्र हमारे ग्रह की कई भूभौगोलिक गतिशीलता के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में 3 रिसर्च फैक्ट इस हैप्पी न्यू ईयर पर डिक्लेयर किया गया है। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली ट्राई टू सब्सक्राइब इट।